नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप और हम सभी पढ़ाई करते हैं कि ग्रेफाइट एक जो कि नॉन मेटल है और एक गुड कंडक्टर है। दोस्तों ग्रेफाइट भी पेंसिल पे यूज होता है, लेकिन हम सभी ने कभी ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है कि ग्रेफाइट रियल में करंट को फॉलो करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ग्रेफाइट से इस पेपर पे हम कुछ लिखेंगे और उसमें करंट फॉलो करवा के देखेंगे कि रियल में करंट फॉलो होता है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो मैं सोच ही रहा था कि डायरेक्ट इस दीवार पे पेंसिल पे कुछ लिखूं और करंट को फॉलो करवाऊं, लेकिन दोस्तों दीवार थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं दोस्तों इस पेपर का सहारा लूंगा, इस पेपर को दीवार पे चिपका दूंगा और इस पर लिख कर मैं करंट को फॉलो करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक बल्ब हम लगा लेते हैं, इसको दोस्तों कहीं ऊपर से टांग लटका देते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि मैंने एक दीवार पे पेपर लगा दिया है और साथ में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लटक रहा है और इसका दो वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है। दोस्तों पहला जो वायर है इसको कनेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन से और दूसरा जो वायर है इसको यहाँ पर टच करेंगे, साथ ही एक और एक्स्ट्रा वायर लगाएंगे जो कि डायरेक्ट करंट से आएगा। तो दोस्तों ये काफी रिस्की एक्सपेरिमेंट है क्योंकि करंट के एक झटके से ही आदमी मर सकता है। तो दोस्तों आप ऐसा कुछ ट्राई ना करें, सिर्फ आप वीडियो में देखें कि रियल में फ्लो करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं दोनों वायर को टच कराएंगे तो यहाँ पर एलईडी लाइट जल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर हम कुछ लिखते हैं, तो सबसे लंबी होगी जेड हम लिख देते हैं ताकि ये लंबा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक जेड लिख दिया है। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती है, तो मैंने सबसे पहले ऊपर के लाइन पर टच करके देखते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बल्ब में करंट आ रहा है। अब हम ऊपर की लाइन के टच करते हैं कि करंट पास हो रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर करंट नहीं पास हो सका, लेकिन ये एक ग्रेफाइट का नीडिल है, इस पर हम ट्राई करेंगे कि करंट फॉलो करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों जो हमने जो जेड इस पर लिखा था वो काफी पतली थी, इसके कारण करंट फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने दोस्तों एक ग्रेफाइट का नीडिल जो मैंने पेंसिल से निकाल कर और इसको ही डायरेक्ट इस पर चिपका दिया। अब इस पर देखेंगे कि करंट फॉलो करता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं जल रहा है। अब इस ग्रेफाइट के एक और लगाते हैं इसको और यह देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक ग्रेफाइट करंट फॉलो कर रहा है, यानी कि यह गुड कंडक्टर है। लेकिन दोस्तों इस पे काफी पतली लेयर होने के कारण इस पे करंट फॉलो नहीं कर पा रहा है। अगर हम इस लेयर को थोड़ी सी मोटा कर देते हैं तो इस पे करंट जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने स्कूल के टाइम पर भी किया था। और अपने अगर आप नवोदय से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नवोदय में ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रखना अलाउ नहीं है। तो मैं दोस्तों वहाँ पर मोबाइल रखता था, उसको चार्ज करने के लिए मैं ग्रेफाइट का ही सर्किट तैयार करके ऊपर से नीचे वायरिंग किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत पहले ही किया था, वह भी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आज आपके सामने भी मैंने दिखाया कि ग्रेफाइट से भी करंट फॉलो करता है। अगर साथ ही दोस्तों ये जो पेपर है ये बहुत ही खराब पेपर है, इसी टी शर्ट का ही पेपर था, हो सकता है इस पेपर की वजह से अभी करंट फॉलो नहीं कर पा रहा है। अगर आप दूसरे पेपर में ट्राई करेंगे तो जरूर करंट फॉलो करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।